उज्जैन में नाबालिग से रेप मामले में एक बड़ा अपडेट आपको IBC 24 देना चाहता है। उज्जैन में जो रेप हुआ था नाबालिग के साथ, उसमें एक बड़ा अपडेट है। और बड़ा अपडेट आपको बता दें कि लगातार इस पर सियासत तेज हो गई है, और इस पूरे मामले पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया है। फिलहाल अपडेट यह है कि पुलिस ने ऑटो चालक समेत 5 को हिरासत में ले लिया है। 5 को हिरासत में लिया है पुलिस को। ऑटो में खून के निशान मिले हैं। मासूम का ऑटो में बैठते CCTV फुटेज भी सामने आ गया है। देवास गेट के बस स्टैंड पर बच्ची को इन लोगों ने ऑटो पर बैठाया। सतना से ट्रेन से उज्जैन पहुंचने की आशंका है। बच्ची के मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। सतना जिले की रहने वाली पीड़ित मासूम है। 24 सितंबर को घर से स्कूल के लिए निकली थी, यानी घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन उज्जैन आ गई। जब वापस घर नहीं पहुंची तो जाहिर सी बात है किसी परिजन को भी घबराहट होगी। उन्होंने कंप्लेन की। 25 सितंबर को थाने में इस बात की कंप्लेन की। पीड़िता के पिता मजदूरी करते हैं। पीड़िता की माता की मौत हो चुकी है, जो हमारी जानकारी है। आखिरी बार जैतवारा रेलवे स्टेशन पर यह मासूम देखी गई थी। इंदौर के MTH अस्पताल में पीड़िता का इलाज अभी चल रहा है। फिलहाल पीड़िता खतरे से बाहर है, खतरे से बाहर है। और इसमें एक गुड न्यूज ये है, अच्छी खबर ये है कि वो दरिंदे हो सकते हैं कि उन्होंने ऐसा किया हो, उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। क्या है उज्जैन का रेप मामला, वो तो हम आपको बता रहे हैं। 24 सितंबर को घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो दरिंदे जिसने इस मासूम बच्ची के साथ जघन्य अपराध किया है, वो चिन्हित कर लिए गए हैं पुलिस के द्वारा। एक बड़ा अपडेट IBC 24 आपको देना चाहता है। पीड़िता के पिता मजदूरी करते हैं और पीड़िता की मां की मौत हो चुकी है। लोगों ने फोन लगाकर पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी। पुलिस ने संदिग्ध ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। जो संदिग्ध ऑटो ड्राइवर है उसे गिरफ्तार किया गया है। गृह मंत्री ने उज्जैन SP से पूरी जानकारी मांगी, यानी गृह मंत्री ने तलब किया SP को, SP उज्जैन को पूरी जानकारी देने को कहा। 12 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप हुआ है। मासूम से महापाप जो हुआ है उसका इंसाफ कब होगा, ये पूछ रहा है पूरा मध्य प्रदेश, पूछ रहा है ये मध्य प्रदेश कि आखिरकार इंसाफ कब होगा। चिन्हित कर लेने से, ऑटो ड्राइवर को हिरासत में लेने से काम नहीं चलेगा। जो इसके पीछे हैं उन्हें सलाखों के पीछे ले जाना होगा। मेडिकल के आधार पे इसमें कायमी की गई और कायमी के बाद एक SIT गठित की गई। आसपास शहर के जितने भी टेक्निकल साक्ष्य हम लोग संकलित कर सके थे वो हमने किए, जिसके आधार पे प्रमुख तौर पे एक ऑटो चालक को अभिरक्षा में लिया गया। तो इसमें जो लगभग टेक्निकल और जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं सब एकत्रित हो गए हैं और जल्दी इसमें बाकी खुलासे भी किए जाएंगे। 5 लोगों से पूछताछ की जा रही है जो घटना समय, घटना दिनांक, घटना स्थल के आसपास, बच्ची के आसपास थे या उनसे उनकी बातचीत हुई थी।